किसान नेता राकेश टिकैत बिहार के कैमूर पहुंच गए हैं, जहां भारतमाला एक्सप्रेसवे योजना के तहत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को लेकर धरना दिया गया है। आपको बता दें कि पिछली सरकार कोलकाता वाराणसी को जोड़ने वाली भारतमाला एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रही है, जो एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर और रोहतास से होकर गुजरेगा, जिसमें कैमूर जिले के 5 प्रखंडों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसके चलते भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना दिया है। वो एक बड़ी समस्या है। दूसरा, जो जमीन अधिग्रहण हो रही है वो सड़क में जा रही हो, रेलवे कॉरिडोर में जा रही हो, कोई योजना उसमें जा रही हो, जमीनों का रेट कम हो, वो रेट मिलना चाहिए। हम पूरी विभाग जी यहाँ पे हैं, मंत्री इनसे जानकारी करेंगे कहाँ कहाँ की उनकी लिस्ट बनवाओ, और ये आंदोलन से ही इनके रेट बढ़ेंगे, नहीं तो ये तो लूट लेंगे। एक इन्होंने दान पत्र का और वो बना दिया हमारा, उसमें भी ये जमीन दे देते हैं, सड़क की जमीन के दान दे दी किसान ने। अगर आंदोलन नहीं होगा तो ये दान में भी जमीन ले लेते हैं। क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, इनके बाद अगर दूसरी भी सरकार आती है तो क्या किसानों की स्थिति यही रहेगी? सरकारें का अलग मामला है और जब पार्टी होती है उसका अलग मामला है, और आंदोलन अलग है। आंदोलनकारी को सरकारों से समझौते नहीं करने चाहिए, वे जो भी गलत फैसला ले उसके खिलाफ मूवमेंट से बातचीत से समाधान करें। सरकार अलग चीज है। अगर आज हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन देश में चल रहे, तो देश के प्रधानमंत्री भी जहां पर जाएंगे किसान का नाम लेंगे। इनके दिमाग से किसान शब्द ना निकल जाए, इसलिए आंदोलन करने पड़ेंगे, और आंदोलन नहीं होंगे तो जमीन छीन लेंगे। पूरी इनकी प्लान है 2047 तक इस देश की 70% जमीन व्यापारी और सरकारों के पास में चले जाए, ये इनकी बड़ी प्लान। मंडी कानून को बहाल, शोषण का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, दो साल पहले इसी कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के खंदौरा में बिजली ग्रिड लगाने के लिए सरकार 1,28,00,000 रुपये एकड़ जमीन का दाम दी, और वही आज 3 साल बाद जब जमीन का दाम बढ़ना चाहिए था तो 12,00,000 रुपये एकड़ हो गया। ये तो आप लोगों की जानकारी में है, और इससे ज़्यादा बड़ा शोषण हो ही नहीं सकता। 1,00,00,000 रुपया एकड़ जब तक यहाँ के सड़कों के लिए नहीं मिलेगा, किसान जमीन नहीं छोड़ेंगे और लड़ेंगे अंतिम दम तक, तब तक काम नहीं लेगा का जब तक पैसे नहीं लेंगे। तो सरकार को चेतावनी कब तक अल्टीमेटम दिया जाता है कि इस पर सरकार सोचे? सरकार के लिए अल्टीमेटम आज से चालू शुरू हो गया, अब उनको निर्णय लेना है कि कब सड़क बनानी है। सड़क तभी बनेगी जब पैसा देंगे।